नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पाथफाइंडर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में हम NIELIT भी कहते हैं, जिसे आरंभ में डोएक सोसाइटी भी कही जाती थी, जिसके के द्वारा जारी सेंटिस्टी सी और एकन प्रकार के पदों पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इस नोटिफिकेशन के विवरण इस प्रकार से, पदों के नाम है साइंटिस्ट सी व साइंटिस्ट डी। इसे तो कैंडिडेट की योग्यता इस प्रकार से होनी चाहिए कि कैंडिडेट को बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि बैचलर इन इंजीनियरिंग और बैचलर इन टेक्नोलॉजी, या डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज बी लेवल, या एसोसिएट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स या ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, या मास्टर्स डिग्री इन साइंस, या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ME या MTech, या मास्टर डिग्री इन फिलोसफी या MPhil किया हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पदों पर रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन की प्रक्रिया 8 नवंबर 2021 को प्रारंभ हो गई है, जो 7 12 2021 तक चलेगी। कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट संबंधित अन्य जानकारी के लिए वो अप्लाई करने के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट meity.gov.in पर जा सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट संबंधित अन्य जानकारी के लिए हम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं, जो कि इस प्रकार से दिखता है। यहाँ सारे विवरणों को अच्छे प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि साइंटिस्ट सी के लिए टोटल वैकेंसी 28 है और वह साइंटिस्ट डी के लिए टोटल वैकेंसी 5 है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी, जिसमें SC ST OBC या EWS के लिए कुछ वैकेंसीज भी अलग से उसी में निर्धारित की गई हुई है। अन्य जॉब अलर्ट्स विवरणों के साथ आप हमारी फोरम community.examfinder पर भी जा सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।